नमस्कार, चौहान मैं नवीन कुमार और आप देख रहे हैं स्टार सिटी 24 झारखंड। हालांकि मैं अभी गिरिडीह जिले के अंतर्गत खंडोली पर्यटन स्थल पे मैं मौजूद हूं और आपको बताते चले कि लगातार खंडोली का तो न्यूज आप लोग देखते ही होंगे, लेकिन एक हमारे साथ भैया मौजूद हैं जो काफी अच्छा पहल उठा रहे हैं खंडोली पर्यटन स्थल। जी हाँ, आपको बताते चले कि यहाँ पे लगातार सबके मन में आता था कि खंडोली मोड़ से लेकर के खंडोली पार्क तक रोड के साइड में लाइट होना जरूरी, लाइट जरूरी होता है, मगर इन्होंने पहला कदम उठाया और इन्होंने लेटर भी संसद महोदय को दिया था, जो कि क्या कुछ सोच करके क्या कुछ उद्देश्य लेटर देने का, तमाम चीज़ों को हम विस्तार से जानेंगे। सबसे पहले आपको परिचय। मेरा नाम अवनीश सचू हुआ और मैं यहाँ पे नेचर व्यू फैमिली रेस्टोरेंट का ओनर जी, और खंडोली में लास्ट ईयर दिसंबर से ये रेस्टोरेंट चालू है और लास्ट सिक्स मंथ से मैंने दो तीन चीज़ का यहाँ पे आभास देखा और सोचा कि यहाँ पे रात में काफ़ी अंधेरा रहता है खंडोली मोड़ से लेके खंडोली डैम तक, क्योंकि ये गिरिडीह का एक बहुत पर्यटन स्थल है और काफ़ी लोगों का यहाँ हमेशा आना जाना रहता है जी। और शाम होते ही लोगों को ये भय सताता है कि जल्दी से हम लोग यहाँ पर खाली करके चले जाएँ। शाम में लोग आना पसंद करते हैं, लेकिन लाइट की व्यवस्था उचित व्यवस्था नहीं होने के कारण लोग यहाँ रुकना पसंद नहीं करते हैं। तो इस सिलसिले में मैंने माननीय सांसद महोदया से मैंने एक ज्ञापन दिया है कि खंडोली मोड़ से खंडोली डैम तक लाइट की व्यवस्था होनी चाहिए। अगर ये लाइट की व्यवस्था हो जाएगी तो पर्यटन के साथ साथ लोगों के मन में जो भय रहता है खंडोली के तरफ आने नहीं आने का, वो भी खत्म होगा। तो मैं सबसे और प्रशासन से और यही अनुरोध करना चाहता हूँ कि इस विषय पर जरूर ध्यान दिया जाए और लाइट लगवाने का उचित व्यवस्था की जाए। जैसे यहाँ पे अभी जो गांडे के विधायक कल्पना सोरेन उनको आपने ज्ञापन नहीं सौंपा? नहीं, अभी उनको मैंने ज्ञापन नहीं दिया है, लेकिन आने वाले दिनों में मैं उनसे भी मिलूंगा और उनसे भी आग्रह करूंगा कि मैडम इस पर्यटन स्थल खंडोली जो गिरिडीह का एक नंबर वन पर्यटन स्थल है, इसमें जरूर लाइट की व्यवस्था किया जाए और इस पर इधर जरूर ध्यान दिया जाए, यही मेरी अनुरोध है मैडम से। हालांकि सभी कोई इस मुद्दे को उठाना चाहते थे, लेकिन आप खास करके ये सवाल को उठाएं, इसका सबसे बड़ा उद्देश्य क्या? मेरा उद्देश्य ये था कि मैं पहले खंडोली में बचपन से खंडोली हमेशा आया जाया किया, बट मैं ये देखा कि जब मैं यहाँ पे अपना रेस्टोरेंट खोला तो जो हमारे फैमिली वाले कस्टमर थे उनको रात में हमेशा भय सता था। वो मेरे यहाँ जरूर आते थे, लेकिन हमेशा ये बोलते थे कि अगर इस रास्ते में अगर लाइट लग जाए तो काफ़ी अच्छा रहेगा, और इन लोग चाहते भी हैं कि शाम को पर्यटन स्थल का मनोरंजन ले, लेकिन लाइट ना होने के कारण भय का महसूस होता है, इस कारण से लोग यहाँ आना पसंद नहीं करते हैं। लेकिन अगर आप दिन में आइए, दोपहर में आइए, तो हमेशा डैम के पास हम पर्यटन को देखेंगे कि लोग आ रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं, बोटिंग का भी मजा ले रहे हैं, लेकिन शाम होते होते लोग तुरंत निकलना यहाँ से देखेंगे कि लोग आ रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं, बोटिंग का भी मजा ले रहे हैं, लेकिन शाम होते होते लोग तुरंत निकलना यहाँ से पसंद करते हैं। लोगों को ये डर लगा रहता है कि कहीं से छेड़छाड़ नहीं हो जाए या उनके साथ कुछ गलत व्यवहार नहीं हो जाए। तो लाइट रहने से क्या है कि लोग का आना जाना बढ़ेगा, इवन पुलिस प्रशासन का भी यहाँ पे काफ़ी सहयोग मिलता है, दो तीन बार इन लोग पेट्रोलिंग भी करते हैं। नया पुलिस पैकेट खुलने से ये कि वहाँ पे वहाँ शाम को भी लोग आते हैं, बट लाइट हो जाने से क्या होगा कि और लोग का आवागमन लेट नाइट तक रहेगा। तो हालांकि देख सकते हैं अभी हमारे साथ मौजूद थे, क्या नाम बताया? अवनीश सचू। तो हमारे साथ मौजूद थे और कहीं ना कहीं यहाँ पे जो लाइट का जो बात कहा जा रहा है कहीं ना कहीं सच्चाई है, क्योंकि लगातार आप देखते होंगे खंडोली पर्यटन स्थल में लगातार कोई भी बहुत सारा ऐसा अप्रिय घटना हो चुका है, लेकिन पुलिस चौकी खुलने के बाद में भी एक अप्रिय घटना जो पहाड़ी के उस साइड में हुआ था, और लगातार मतलब होता है लेकिन अभी थोड़ा सा कंट्रोल में है, फिर भी अगर लाइट रहे तो जो लोग यहाँ पे छीना छीनी या जो चोरी वगैरह जो होता है वो कहीं ना कहीं बंद हो जाएगा। हालांकि इस मामले में हम भी जिला प्रशासन से और यहाँ के जो विधायक हैं कल्पना मुर्मू सोरेन जो विधायक हैं उनसे हम मांग करते हैं कि यहाँ पे लाइट दिया जाए ताकि
जो भी पैदल असम में जो लोग आते हैं घूमने के लिए वो थोड़ा लेट से भी जाए तो उनको डर ना लगे। हालांकि गिरिडीह से रवि कुमार की खास रिपोर्ट। जय जी। अभी हमारे साथ खंडोली पर्यटक स्थल के जो लीज धरता है प्रमोद कुमार जी, उनसे चलिए हम जानते हैं क्या कुछ कहेंगे। जी सर, अभी खंडोली मोड़ से लेकर के खंडोली पर्यटक स्थल तक काफ़ी अंधेरा छाया हुआ रहता है और लगातार वहाँ पे एक नेचुरल ग्रुप के जो खोले हैं वो आवेदन भी दिए हुए थे अन्नपूर्णा में, फिलहाल इसमें आप क्या कुछ कहेंगे? देखिए, जिला प्रशासन की ओर से ये पहल की जा रही है और उन्होंने इसके ऊपर संज्ञान भी लिया है और वो भी ये महसूस कर रहे हैं कि यहाँ लाइट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इवनिंग के टूरिज़्म को बढ़ाने के लिए। ये उद्देश्य के लिए ही वहाँ पे पुलिस चौकी का भी की भी स्थापना की गई गत वर्ष, और उसका उद्देश्य यही था कि निर्भीक होकर पर्यटक आए और इवनिंग टूरिज़्म भी बढ़े। लेकिन ये उद्देश्य पूरा नहीं हो रहा है सिर्फ अंधेरे के कारण, क्योंकि उस सड़क पर बिल्कुल रोशनी नहीं है और बीच बीच में कोई कोई छोटी मोटी वारदात हो जाती है जिससे भय का माहौल रहता है। तो इसमें अभी वो नेचर व्यू के जो ओनर हैं अंशु जी, वो एक आवेदन सांसद महोदया को उन्होंने दिया है थोड़े दिन पहले ही। अन्नपूर्णा मैम जब यहाँ पे आई थी तो चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अभिनंदन समारोह में ही उन्होंने वो आवेदन दिया है जो सामूहिक रूप से हम लोगों ने समर्पित किया मैम को, और उन्होंने आश्वासन भी दिया कि इसको वो आगे बढ़ाएंगी और वहाँ पे प्रैक्टिकली सोलर लाइट ही उपयोगी होगी, क्योंकि जनरल लाइट अगर रोशनी कट जाती है तो उसका कोई बैकअप नहीं है, जनरेटर बैकअप नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो वो लाइट अगर कट जाती है तो फिर उद्देश्य हम लोगों का फेल हो जाएगा। अभी जो मोड़ पे खंडोली से बाहर जब निकलते हैं हम लोग मेन रोड पर आते हैं तो वहाँ पर एक सोलर लाइट का एक ये लगा हुआ है, मास्ट लगा हुआ है, उसकी रोशनी काफ़ी अच्छी है। लेकिन अगर डिफरेंट पोज पे अगर हम लोग और पर्यटकों को लाभ भी पहुंचेगा। सर, जैसे अभी आप फिलहाल इसमें पहले भी आप कभी आवेदन वगैरह दिए थे लाइट का मामला? लाइट के संबंध में हमने डीसी सर को अवगत कराया था और डीसी सर उस पर पहल भी कर रहे हैं, लेकिन प्रोसेस में जो भी टाइम लग रहा है उनकी नज़र में है और वो प्रायोरिटी पे इसको रखे हुए होती है। हालांकि आपको हम बता दें कि लगातार वहां पर अप्रिय घटना लगातार घटती है, लेकिन वहां पे लगातार वहां पे डर का माहौल बना हुआ रहता है। जो भी लोग 7 बजे के बाद से उस रोड में क्रॉस करने से डरते हैं, हालांकि लाइट लगने के बाद इस तरह से शायद डर ना लगे। हम जिला प्रशासन से मांग करते हैं कि वहां पर लाइट की व्यवस्था किया जाए। कैमरामैन राकेश बदानी के साथ गिरिडीह से नवीन कुमार की खास रिपोर्ट।